खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे गुरद्वारा ढंडा गुंगा साहिब विखे सिख पंथ की महान संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जून नवंबर 1984 समय की जालम हुकूमत वालों दिल्ली कानपुर बोकारो हिंदुस्तान के वख वख हिस्सों में सिखां दा बड़ी बेरहमी दे नाल कतलेआम किया गया। सिख नसलकुशी की गई, सिखां नूं गलां विच टायर पा के जिउंदे साड़िया गया, बच्चों नूं खोह खोह के शहीद किया गया, बीबिया दीआं पत्तां लुट्टियां गईआं और सिखां दे घरां नूं साड़िया गया और गुरु घरां दा भी बहुत वड्डा नुकसान और गुरु घरां नूं भी अग्गां ला के गुरु घरां दी भी बेअदबी की गई। ये जो नवंबर 1984 का कतलेआम जिसनों समुचा सिख जगत नसलकुशी के तौर पर जानता है, अज दुनिया भर के सिख नसलकुशी ये दिहाड़ा संगत बड़े वैराग दे नाल मना रही और उस समय तो लैके अज तक दुनिया भर के इंसाफ पसंद कौमां वालों इंसाफ पसंद संस्था वालों समुचे सिख जगत वालों ये मंग बड़ी जोरदार ढंग नाल उठाई गई कि इस कतलेआम के दोषियों नूं सजावां दित्तियां जाण और सिखां दी जो जान माल का नुकसान किया गया उसकी हिंदुस्तान की सरकार द्वारा भरपाई की जाए। पर अज तक भी किसी भी दिल्ली की हुकूमत ने सिखां नूं इंसाफ देने लई कोई कदम नहीं उठाया, जिस करके दुनिया भर के सिखा के मन बड़ा भारी रोस है। असी मौके की हुकूमत को भी ये गल कहनी चाहते हैं कि जे अगर सिखा के जख्मों के उत्ते मलम लाने चाहते हो तो सिख नसलकुशी के जिन्हें भी दोषी है उन्होंने कटहरे में खड़ा करके सख्त तो सख्त सजावं दिखा जा। जो सिखा का जानी माली नुकसान किया गया उसका सिखा मुआवजा दिता जाए और सिखां नूं इंसाफ दिता जाए। जिस सिख कौम ने हिंदुस्तान की आज़ादी लई 85% तो उत्ते कुर्बानियां कीतियां उस सिख कौम नूं कदे जून 84 दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब अते होर गुरधामां ते हमला करके सिखां दे हिरदिआं नूं दुखी किया गया। कदे नसलकुशी की यह साजिश रच के सिखां दा कतलेआम दुनिया के विच कीता गया। इस तों अलावा भी बहुत वड्डे जुल्म और सितम सिख कौम ते कीते गए है। असी फिर ये गल कहनी चाहते हैं कि सिख कौम के कातलों नूं तुरंत सख्त तो सख्त सजावं दित्तियां जाणियां चाहीदियां हन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 1984 का साल सिख कौम लई बड़ा दर्दनाक साल सी। पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब ते हमला, श्री अकाल तख्त साहब नूं टैंकां तों पहलां टै ढेरी कर देना अते नेका ही शहीद बच्चे बजुर्ग मातावां नौजवान शहीद किए श्री अकाल तख्त साहब और श्री हरिमंदर साहब और सरावां विच। ये जड़ियां परिक्रमा ही उस समय खून लथपथ हो गई। सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते भी गोलियां वजियां, श्री अकाल तख्त साहब टै ढेरी कर दिता गया। इस दे जज्बे विच इस कांड की जड़ी दुख सिखां ने महसूस किया उहदे इवजे विच इंदिरा गांधी नूं सोधिया गया। पर सिखां ने तो अपने क्योंकि साडे अकाल तख्त साहब सिख कौम का जिहड़ा वो केंद्रीय स्थान आ, श्री हरिमंदर साहब केंद्रीय स्थान आ, इस नूं टै ढेरी करन वाले नूं सोधना जिहड़ा वो सिखां दा हक बणदा। उस दुष्ट नूं सोधिया गया पर उहदे इवजे विच दिल्ली विच प्री प्लैनिंग दंगे होए, अनेकां ही बच्चे बच्चियां जवान बजुर्ग उन्होंने खोह खोह के शहीद किया गया।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਪੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।